नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेट थ्योरी सीखेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। सर्वप्रथम, सेट किसे कहते हैं तथा इसे कैसे डिफाइन किया जाता है यह सीखेंगे। विभिन्न प्रकार के सेट्स और उनके विभिन्न ऑपरेशंस सीखेंगे। वेन डायग्राम, सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, एलजेब्रा ऑफ सेट्स तथा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन सीखेंगे। सेट्स, सेट एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड का अर्थ है कि हर एक एलिमेंट को हम एक ही डेफिनेशन से डिफाइन कर सकें। सामान्यतः हम कैपिटल लेटर्स जैसे ए बी सी का प्रयोग सेट को दिखाने के लिए करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, पहला रोस्टर नोटेशन तथा दूसरा सेट बिल्डर नोटेशन। रोस्टर नोटेशन में हम सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं तथा सेट बिल्डर नोटेशन पे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं तथा उसकी डेफिनेशन को बताते हैं। यहां पर उदाहरण में एक सेट ए जिसमें 1 से लेकर 10 तक के इंटीजर से हैं दोनों तरीकों से दिखाया गया है। यहां पर कुछ स्टैंडर्ड सेट दिखाए गए हैं जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रेशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर का सेट आदि। यदि एक्स कोई सेट हो तथा ए उसका कोई एलिमेंट हो तो हम इसे ए बिलोंग्स टू एक्स लिखते हैं। यदि बी एक्स का कोई एलिमेंट नहीं है तो हम इसे बी डज नॉट बिलोंग टू एक्स लिखते हैं। यहां पर उदाहरण में सेट एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 है। 1 तथा 2 इस सेट के एलिमेंट हैं, जबकि 6 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। 1 को यदि हम कर्ली ब्रेसेस में लिखें तो यह अपने आप में एक सेट बन जाएगा जो कि एक्स का एलिमेंट नहीं है। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, किसी सेट की कार्डिनलिटी उसमें अलग अलग एलिमेंट्स की संख्या होती है। किसी सेट एक्स की कार्डिनलिटी को मॉड एक्स अथवा एन एक्स से डिनोट करते हैं। यहां पर दिखाए गए उदाहरणों में प्रथम सेट की कार्डिनलिटी 3 तथा दूसरे सेट की कार्डिनलिटी 4 है। अब हम विभिन्न प्रकार के सेट्स के बारे में देखेंगे। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वह एम्प्टी सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट को हम फाई अथवा 2 खाली कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर में 1 जोड़ने पर 0 नहीं आ सकता। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो वह सिंगलटन सेट कहलाता है। यहां पर उदाहरण में दिया गया सेट एक सिंगलटन सेट है। फाइनाइट तथा इनफाइनाइट सेट्स, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो फाइनाइट सेट कहलाता है तथा ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। यहां पर उदाहरण में दिया गया सेट ए एक फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स एक इनफाइनाइट सेट है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, कोई सेट काउंटेबल कहलाता है यदि उस सेट की हर एक एलिमेंट को हम एक अलग अलग नेचुरल नंबर असाइन कर सके। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एक काउंटेबल सेट है, जबकि 0 तथा 1 के बीच के रियल नंबर्स का सेट काउंटेबल नहीं है,
दोनों ही सेट्स इनफाइनाइट सेट्स भी हैं, यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जो सभी एलिमेंट्स को रखता हो वह यूनिवर्सल सेट कहलाता है। हम इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। सबसेट, कोई सेट एक्स दूसरे सेट वाई का सबसेट कहलाएगा यदि एक्स के सभी एलिमेंट्स वाई में हैं। सेट एक्स तथा फाई सेट एक्स के सबसेट हैं। प्रॉपर सबसेट, कोई सेट एक्स दूसरे सेट वाई का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा यदि एक्स के सभी एलिमेंट्स वाई में हैं तथा एक्स में एलिमेंट्स की संख्या वाई के एलिमेंट्स की संख्या से कम हो। ऑर्डर्ड सेट, यदि किसी सेट के एलिमेंट्स किसी ऑर्डर में दिए गए हों तो वह ऑर्डर्ड सेट कहलाता है। यहाँ पर सप्ताह के दिनों का ऑर्डर्ड सेट बनाया गया है। यदि किसी ऑर्डर्ड सेट में n एलिमेंट्स हों तो वह n टपल्स का ऑर्डर्ड सेट कहलाता है। आइए सेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर एक सेट x दिया हुआ है जिसमें कि 1 से लेकर 5 तक इंटीजर्स हैं। हमें यह देखना है कि दिए गए कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। यहाँ पर ए बी और डी ट्रू हैं क्योंकि 1 एक्स का एलिमेंट है तथा बी और डी में दिए गए सेट एक्स के सबसेट से हैं। क्योंकि फाई एक सबसेट होता है अतः सी फॉल्स है। फाई को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखने पर यह एक नया सेट बन जाता है अतः ई भी फॉल्स है। इक्वालिटी ऑफ सेट्स, कोई दो सेट एक्स और वाई इक्वल कहलाते हैं यदि दोनों में समान एलिमेंट हों, अर्थात एक्स वाई का सबसेट तथा वाई एक्स का सबसेट हो। यहाँ पर दिखाए गए सभी सेट्स इक्वल हैं। पावर सेट, किसी सेट एक्स का पावर सेट वह सेट होता है जिसमें सेट एक्स के सभी सबसेट्स होते हैं और इसे पी एक्स से दर्शाया जाता है। एन एलिमेंट्स के एक सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी 2^n होती है। उदाहरण के लिए एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 हो तो इसके पावर सेट में दिखाए गए 8 एलिमेंट्स होंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यूनियन, कोई दो सेट्स एक्स और वाई का यूनियन वह सेट होगा जिसमें एक्स तथा वाई के सभी एलिमेंट्स होंगे। उदाहरण के लिए यदि एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 तथा वाई इक्वल टू 2, 3, 4, 5 तो एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन, कोई दो सेट्स एक्स और वाई का इंटरसेक्शन वह सेट होगा जिसमें एक्स तथा वाई के वही एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट्स में हों। उदाहरण के लिए यदि एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 तथा वाई इक्वल टू 2, 3, 4, 5 तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 2, 3। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कोई दो सेट्स एक्स और वाई का डिफरेंस एक्स माइनस वाई वह सेट होगा जिसमें एक्स के वह एलिमेंट्स होंगे जो वाई में नहीं हो। उदाहरण के लिए यदि एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 तथा वाई इक्वल टू 3, 4, 5 हो तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, 2। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कोई दो सेट्स एक्स और वाई का सिमेट्रिक डिफरेंस एक्स माइनस वाई तथा वाई माइनस एक्स का यूनियन होगा। उदाहरण के लिए यदि एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 तथा वाई इक्वल टू 3, 4, 5 हो तो एक्स और वाई का सिमेट्रिक डिफरेंस 1, 2, 4, 5 होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी सेट एक्स का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स होगा। यदि एक्स सेट ए का सबसेट है तो ए के रेस्पेक्ट में एक्स का कॉम्प्लीमेंट ए माइनस एक्स होगा। उदाहरण के लिए यदि एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 तथा ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 हो तो एक्स डैश इक्वल टू 4, 5।
अब हम सेट्स की कुछ अन्य क्लासेस को देखते हैं। डिजॉइंट सेट्स, कोई दो सेट्स एक्स और वाई डिजॉइंट कहलाएंगे यदि दोनों में कोई भी एलिमेंट एक समान ना हो, अर्थात एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू फाइव। उदाहरण के लिए यदि एक्स इक्वल टू 1, 2 तथा वाई इक्वल टू 3, 4, 5 हो तो एक्स और वाई डिजॉइंट होंगे। पार्टीशन, यदि एक्स कोई सेट हो तथा एस एक्स के सबसेट्स का सेट हो तो एस एक्स का पार्टीशन कहलाएगा। यदि एस के एलिमेंट्स का यूनियन एक्स हो तथा एस के एलिमेंट्स डिजॉइंट हो, यहां पर एक सेट एक्स तथा उसका एक पार्टीशन दिया हुआ है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन वेन के नाम पर है, का उपयोग ज्यामिति आकृतियों द्वारा सेट को दर्शाने के लिए किया जाता है। इन डायग्राम्स का उपयोग सेट के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहां पर आप सेट ए का वेन डायग्राम देख रहे हैं। दिखाए गए वेन डायग्राम्स में दो सेट्स के यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को आप देख सकते हैं जो कि शेडेड रीजन द्वारा दिखाए गए हैं। इसी प्रकार आप दिखाए गए वेन डायग्राम्स में दो सेट्स के बीच सबसेट का रिलेशन तथा डिजॉइंट सेट्स को देख सकते हैं। कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट एक्स और वाई का कार्टिजियन प्रोडक्ट एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है जिसमें पहला एलिमेंट एक्स से होगा तथा दूसरा एलिमेंट वाई से होगा। उदाहरण में एक्स और वाई का कार्टिजियन प्रोडक्ट दिखाया गया है। यहां पर आप अलजेब्रा ऑफ सेट्स के अंतर्गत सेट्स के कई नियम देख रहे हैं। यदि हमें किसी दो सेट्स को समान दिखाना हो तो हम सेट बिल्डर नोटेशन का प्रयोग करते हुए तथा अलजेब्रा ऑफ सेट्स में बताए गए विभिन्न नियमों का प्रयोग करते हुए एक सेट को दूसरे सेट के समान दिखा सकते हैं। उदाहरण में यहां पर एक्स माइनस वाई माइनस जेड को एक्स माइनस जेड माइनस वाई माइनस जेड के समान दिखाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इस प्रिंसिपल द्वारा किसी दिए गए सेट्स के यूनियन में एलिमेंट्स की संख्या निकाल सकते हैं। यहां पर दो तथा तीन सेट्स के लिए यह प्रिंसिपल दिया गया है। इसे हम अधिक सेट्स के लिए भी लिख सकते हैं। इस प्रिंसिपल का प्रयोग काउंटिंग के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कक्षा में 35 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं तथा 25 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं। अगर 43 छात्र या तो क्रिकेट या फुटबॉल पसंद करते हैं तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद हैं। यहाँ पर हमने क्रिकेट तथा फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स के सेट्स को सी तथा एफ से डिनोट किया तथा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन द्वारा सी इंटरसेक्शन एफ सेट के एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात की। इस लेक्चर में हमने सेट को डिफाइन करना सीखा, विभिन्न प्रकार के सेट्स और उनके विभिन्न ऑपरेशंस सीखे, वेन डायग्राम, सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, अलजेब्रा ऑफ सेट्स तथा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का प्रयोग काउंटिंग के लिए करना सीखा। अगले लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।